नमस्कार दोस्तों, तुलिया कुछ में आपका फिर से स्वागत है। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके तरफ से यहाँ पर इसके पहले हमने एक आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हमने अभी वैकेंसी का डिस्कस किया था। दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है इसमें, ये देखिए दूसरा पोस्ट है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 20206 और ये पोस्ट है आपका हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, ये पोस्ट है। और इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं पहले। ये देखिए ये पोस्ट है, पहले के लिए हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पोस्ट के लिए प्रिंसिपल के लिए हमने डिस्कस किया, अभी ये अपलोड हो चुका है वीडियो, उसको देख सकते हैं आप। दूसरा जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ये है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, और इसके लिए डिटेल्स के लिए हम लोग चलते हैं कि क्या कुछ इसमें है, कौन अप्लाई कर सकता, कैसे अप्लाई कर सकता, डिटेल्स हम लोग चलते हैं इसके लिए। देखिए इसमें जो नोट नंबर 1 बता रहा है कि इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल लास्ट इसका डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, और नोट नंबर 2 बता रहा है लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी बाय यूजिंग द प्रिंट आउट ऑफ सिस्टम जनरेटेड फी चालान फॉर्म, ये 7 मई तक कर सकते हैं इसको आप। और नोट नंबर 3 में ये देखिए एप्लीकेबल नहीं है। नोट नंबर 4 में फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट हेल्पलाइन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस, यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी आ रहा है, तो आप या तो इस मेल पर आप कांटेक्ट करिए या फिर ये कांटेक्ट नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करिए। ये हुआ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आपको है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि यदि आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ परेशानी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत परेशानी है, तो आप इस पर कर सकते हैं, ये मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। और यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट नंबर पर कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कोई तरह की दिक्कत आपको ना हो इसलिए साइट पर ये सारा मेंशन किया हुआ है। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 311 पोस्ट, 311 पोस्ट के लिए, और पोस्ट का नाम हमने बता दिया आपको, हेड मास्टर या हेडमिस्ट्रेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब। अब उसके बाद देखिए, दिस एडवर्टीजमेंट इज बींग पब्लिश एट पर द रिक्विजिशन रिसिप्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाइट लेटर नंबर सो एंड सो। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या क्या है, कैटेगरी कोड यहाँ पर दिया हुआ है और नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ, जनरल के लिए 121 है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये देख लीजिए, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब ये देख लीजिए, इस तरह से इसमें आप देख लीजिए जिस किसी कैटेगरी में आप आते हैं आप इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर से मैं अर्ज करता हूँ कि नोटिस को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, हर नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ने की आदत डालिए। जब तक आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन जाते, जब तक आप फॉर्म भर रहे अप्लाई कर रहे, तो साइट पर मैनेजमेंट की तरफ से जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कुछ भी नोटिस दिया हुआ, हर एक नोटिस को पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि हमने 2 नोटिस पढ़ लिया और 4 नोटिस के बारे में समझ लेते हैं कि हम समझ में आ गया, ऐसी गलती मत करिए। यदि 4 नोटिस दिया हुआ है तो 4 नोटिस को पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आपको पता चलेगा क्या कुछ है। उसके बाद देखिए शेड्यूल कास्ट, और इसके लिए 31 पोस्ट है, और बाकी और देख लीजिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग अलग देखिए पोस्ट इसमें दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो है 311 पोस्ट है, 311 पोस्ट है, किसके लिए, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए। अब हम चलते हैं किसके लिए अप्लाई कैसे करें, कौन एलिजिबल है इसके लिए। द नंबर वैकेंसी एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इज लाइबल टू अल्ट्रेशन विदाउट एनी नोटिस, मतलब ये हुआ कि जो भी पोस्ट यानी कि मेंशन हुआ है 311 पोस्ट के लिए, इसमें कभी कोई बदलाव हो सकता है, मतलब ये हुआ कि पोस्ट में पोस्ट की संख्या घट सकता है, बढ़ सकता है बिना किसी नोटिस के। अब चलते आगे, ये देखिए पे स्केल आपका ये रहेगा, यदि आप इसके एलिजिबल हैं तो आपका पे स्केल ये रहेगा, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप यहाँ से, इसमें थोड़ा सा मैं इसको और
करके कुछ आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55%, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस, UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज रन करती है उस यूनिवर्सिटी से आपको ये पास करना है जिसमें 55% मार्क्स आपको होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, शुड हैव पास्ड डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब ये हुआ कि BEd आपको पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद क्या बोल रही है, और इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सन्स वर्किंग टू द पोस्ट ऑफ वोकेशनल मास्टर्स और वोकेशनल लेक्चरर और कंप्यूटर मास्टर और कंप्यूटर फैकल्टी एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें 4.3 जो बता रहा है, शुड परचेज टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। देखो, 3 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन एनी गवर्नमेंट स्कूल अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसेंशियल। मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक में आपका पंजाबी होना अनिवार्य है तभी भर सकते इसको आप। उसके बाद एज देखिए क्या बता रहा है, 18 कैंडिडेट्स शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 37 ईयर्स। मतलब आपका एज जो है 18 से 37 के बीच में होना चाहिए। अब कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में देख लीजिए, दिया कमीशन शैल होल्ड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू दीज पोस्ट टेंटेटिवली इन मई 2020 में आपका ये एग्ज़ाम होने का संभावना है, लेकिन डेट क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। आप साइट विजिट करते रहिए, वहाँ पर सब अपडेट मिलेगा आपको। डिटेल्स ऑफ विच कैन बी सीन इन पैरा 6, 7 and 8 ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ ईच पोस्ट अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। वेबसाइट ये रहा, यहाँ से जाकर के आप फ्रिक्वेंटली देखिए क्या होता है ना, जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता, तब तक इसको आप वेबसाइट पर चेक करते रहिए क्या कुछ अपडेट आता रहा है। जो अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए। द कैंडिडेट मस्ट पजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिफोर और बाई 31 मई। यदि आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कोई रिजल्ट आपका आना बाकी है, तो जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड हुआ है, 31 मई तक आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट रेफर टू जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स के लिए, मतलब यदि आप इसको भरना चाहते हैं अच्छी तरह से, आपको लगता है कि इसके लिए एलिजिबल हो आप, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन जो बता रहा है ना कि जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, ये साइट पर इसमें ये दिया हुआ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पार्टिकुलरली पैरा 11, इसमें जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट जो है, इसमें जो 11 पैरा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट डेट हमने जैसा बता ही दिया कि 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगा इसका, लेकिन ये डेट बढ़ भी सकता है आपका, जैसा कि हालात देश का है अभी, जिस संकट से देश गुजर रहा है कोरोना वायरस संकट से, तो ये आपका डेट बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइट पर आप देखते रहना, ठीक है। आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ अभी भी रह गया, आपको लगता है कि हमने जो कुछ बोला, जो कुछ साइट पर दिया हुआ, कुछ भी आपके क्वेरीज और भी है, कुछ डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में डालिए आपको जो भी आप पूछना है, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो आज, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो डलता है जो आपकी आपको आपके कैरियर से जुड़ा होता है, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब देने की सिलेक्शन होने की बात होती है यहाँ पर। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं रहेगा मोबाइल का, यहाँ से कोई भी आपके पास अपडेट नहीं जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग फिर एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।